सीएम योगी के राजस्थान द्वारा जोधपुर के भीमाल में पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया गया। नीलकंठ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा अपने धर्म को आगे बढ़ाना अच्छी बात। तिकुनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जमानत पर जेल से आया बाहर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी 8 हफ्ते की सशर्त जमानत। तिकुनिया केस का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। झांसी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, जबरदस्त विस्फोट से 12 जमींदोज, आसपास के कई मकानों में आई दरार, जांच में जुटी पुलिस। अलाया अपार्टमेंट हादसे में एक और गिरफ्तारी, नवाजिश शाहिद के बाद मोहम्मद तारिक गिरफ्तार, आरोपी बिल्डर फहद यजदानी की तलाश तेज, सफाई में जारी किया वीडियो। महान नरेंद्रगिरी मौत मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए तय की तारीख, 7 फरवरी को आनंदगिरी पर चार्जशीट के आधार पर तय होगा आरोप। एएमयू में तिरंगे के सामने धार्मिक नारे लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी छात्रा बदी उल जोहा सस्पेंड, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। आगरा में हुए हादसे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, धर्मशाला के ट्रस्टी और बिल्डर को पुलिस से किया गिरफ्तार, अब तक 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, मकान गिरने से हुई थी 4 साल की बच्ची की मौत। लखीमपुर खीरी जिला कारागार में जेल मैनुअल का उल्लंघन, 4 साल के मासूम के गाल पर लगाई मुहर, दादी के साथ जेल में बंद पिता से मिलने पहुंचा था मासूम। उत्तराखंड दौरे पर धीरेंद्र शास्त्री, यज्ञ के लिए साधु संतों को दिया निमंत्रण, 2 फरवरी को पहुंचेंगे प्रयागराज, मेजा इलाके में लगाएंगे दरबार। रामचरितमानस पर बयान के बाद अब जब संतों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया धर्म का ठेकेदार, कहा धर्म के ठेकेदारों ने मेरा सिर काटने वालों को इनाम देने की घोषणा की। लखनऊ में सीएम आवास पर कल होगी कैबिनेट की बैठक, कल शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक। जीआईएस 2023 के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, चंडीगढ़ में योगी सरकार के मंत्रियों का रोड शो, हरियाणा और पंजाब के उद्योगपतियों संग बैठक, निवेश के लिए किया आमंत्रित। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, दुनिया के 155 देशों के साथ छात्र भी वर्चुअली हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा छात्रों को दबाव से डरना नहीं है, मां बाप को भी समझना होगा, बच्चों पर सामाजिक दबाव ना बनाएं। पीएम ने कहा छात्र समय निर्धारित कर पढ़ाई करें, पसंद के विषय पर ज्यादा समय नहीं लगाएं, हर विषय को समय देना चाहिए, कम पसंद वाले विषय को पहले पढ़ें। लखनऊ के सैनिक स्कूल में सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, एग्जाम वॉरियर्स से किताब का वितरण भी किया। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा होगी, बच्चों पर कभी दबाव नहीं बनाना चाहिए, दबाव से बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। सीएम ने कहा छात्रों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों का विकास किया, बालिकाओं में कुछ कर गुजरने की चाहत हमेशा होती है। उत्तराखंड के सीएम भी कार्यक्रम से जुड़े, पथरीबाग कॉलेज से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सीएम धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी की शिरकत। पीएम मोदी और सीएम योगी की परीक्षा की पाठशाला में शामिल हुए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। लखनऊ में भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, कार्यक्रम में नेपाल पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कोविड के कारण टूरिज्म पर काफी असर पड़ा, लेकिन अब वो भारतीय सैलानियों के लिए अच्छे ऑफर लेकर आएंगे। मेरठ में बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने की दलित महिला की चाकू से गोद कर हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या, हत्या कर युवक का शव उसके घर के पास फेंका, चांदपुर थाना क्षेत्र के नजरपुर गांव का मामला। कानपुर में नौकरी से वापस लौटते समय पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा, ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने की आत्महत्या, चौबेपुर रेलवे स्टेशन के पास का मामला। बिजनौर में युवक की हत्या के खुलासे को लेकर ग्रामीणों ने किया थाने में जमकर हंगामा, बुधवार को युवक की हुई थी धारदार हथियार से हत्या, चांदपुर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस ने 4 अंतरराज्यीय लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूट की 2 बाइक 4 तमंचे बरामद, बिजनौर के बावरकोल थाना क्षेत्र का मामला। इटावा के कलेक्ट्रेट में बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और डीएम अवनीश राय ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी छात्र छात्राओं को सुनाया। हरदोई में हाईवे पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3, एक और महिला का शव बरामद। एक बार फिर विवादों में घिरा एएमयू, तिरंगा फहराने के बाद कुछ छात्रों ने लगाए अल्लाह हू अकबर के नारे।
झांसी पहुंचे डब्ल्यू सी एम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला, पहले की सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी और दंगा। G20 को लेकर ताजनगरी में चल रही है तैयारी, प्रमुख नगर सचिव ने VIP रूट और एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, विकास कार्यों को परखा। आगरा में हुए हादसे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, धर्मशाला के ट्रस्टी और बिल्डर को पुलिस से किया गिरफ्तार, अब तक 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, मकान गिरने से हुई थी 4 साल की बच्ची की मौत। और अया में सिलेंडर फटने से करीब 7 लोग हुए आग में झुलसे, शादी समारोह के दौरान हादसा। मऊ में भीम आर्मी चीफ पर हुए हमले के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, काफी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर किया प्रदर्शन। सोनभद्र में पानी की समस्या को लेकर हाथ में बाल्टी लेकर छात्राएं सड़क पर उतरी। बाराबंकी के मदरसे में तिरंगे की जगह फहराया गया इस्लामिक झंडा, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, 2 लोग हिरासत में लिए गए। कानपुर में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल, भीड़ के बावजूद था राइडर करता रहा स्टंट, कुछ ही दूरी पर थी पुलिस की चौकी। नोएडा में SUV का खतरनाक स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां, जांच में जुटा पुलिस विभाग। गाजियाबाद में नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पकड़ी गई, दोनों लोग गिरफ्तार, टोल टैक्स बचाने के लिए गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगवाया। मथुरा में बसंत पंचमी के साथ शुरू हुई ब्रज की होली, बांके बिहारी के साथ भक्तों ने खेली होली। काशी ने निभाई गई सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा, बसंत पंचमी पर दूल्हा बने महादेव का धूमधाम से हुआ तिलक। झांसी में ट्रक में लदे रोड रोलर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्ष भिड़े, विवाद में दोनों भाइयों गौरव और नागेंद्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं। जौनपुर के भव्य श्रृंगार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, आजमगढ़ सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ साथ में भोजपुरी हीरोइन आम्रपाली दुबे पहुंची, यहां दोनों ने पूजा अर्चना की। बुलंदशहर में घर में सोती हुई 62 वर्षीय महिला BDC सदस्य की हत्या करने के बाद अज्ञात आरोपी फरार, पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने कार में भारी जोरदार टक्कर, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बागपत पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 पशुओं को बरामद किया। 2024 लोकसभा चुनाव पर CM धामी का बड़ा दावा, कहा 2024 में PM मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जीतेगी BJP, भी नेता और कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बोले CM धामी, कहा इस बार की चारधाम यात्रा को पहले से बेहतर बनाएंगे, पिछली बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रही। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल, देहरादून के ISBT पर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, नियमित करने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, हड़ताल की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी, 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान। हरिद्वार में आचार महामंडलेश्वर कैलाशानंद का साधुओं के लिए फरमान जारी, कहा गृहस्थ जीवन से दूर रहें अखाड़े के साधु। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, नदी नाले सब बर्फ से ढके, गंगा नदी में पानी भी जम रहा। नोएडा में डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम पेंशनर्स की समस्याओं का जल्द होगा समाधान, श्रम एवं रोजगार मंत्री आरती आहूजा ने वर्चुअली किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तराखंड के पौड़ी सतपुली मार्ग पर खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 घायल, SDRF ने ऑपरेशन चलाकर किया रेस्क्यू। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर घमासान, JNU में ISA SFI समेत लेफ्ट संगठन के छात्रों का प्रदर्शन, जामिया के छात्रों को हिरासत में लेने का विरोध। भारत चीन सीमा तनाव पर बोले पूर्वी कमान के GOC इन कमान RP कलिता, टकराव की ओर ले जाती है, दोनों देशों की अलग अलग धारणाएं, भारत और चुनौती हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ABVP से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की मांग, SFI के छात्रों ने दिखाई विवादित डॉक्यूमेंट्री। भारत जोड़ो यात्रा का 133वां दिन, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से यात्रा की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, 30 जनवरी को सभी 23 विपक्षी पार्टियों का होगा एक सम्मेलन, सभी को एकजुट करने की है तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का बयान, राहुल अपनी छवि के लिए नहीं बल्कि देश के लिए निकले हैं। अनुच्छेद 370 पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा हमसे राज्य का दर्जा छीना गलत, 370 की लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे।
दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने खड़े किए सेना के शौर्य पर सवाल, कहा अगर सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है तो दिखा दें। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध सोमेश्वर देवता के देव गोती महोत्सव का आयोजन, क्षेत्र के 22 गांवों के लोग आयोजन में हुए शामिल, लोगों ने सोमेश्वर देवता का लिया आशीर्वाद, हर साल बसंत ऋतु के आगमन पर होता है कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी मेयर चुनाव का मामला, आप प्रत्याशी की अर्जी पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा कोर्ट। सीएम केजरीवाल को एलजी का बुलावाज, आज शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री और 10 विधायकों को साथ लाने के लिए कहा, एलजी और सरकार के बीच कई मुद्दों पर चल रही खींचतान। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगा मंथन, दूसरे दिन कई अहम प्रस्ताव होंगे पास। पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत, कोर्ट ने शर्तों के साथ दुबई जाने की दी इजाजत। हिस्सेदारी की मांग पर नीतीश का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना, पूछा पार्टी में रहने वाले ट्वीट करके बोलते हैं क्या, नीतीश के मंत्री बोले कुशवाहा किराएदार हैं हिस्सेदार नहीं। दिल्ली के द्वारका में ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हत्या पर रोष, सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, दोषी को पकड़ने की मांग। मुंबई के दादर में 44 मंजिला इमारत में आग से हड़कंप, भारी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, 22वीं और 42वीं मंजिल पर लगी थी आग। बिहार के आरा में आवारा कुत्ते का आतंक, करीब 80 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा, सदर अस्पताल में भर्ती हुए घायल। दंडयुथापानी स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेकम के मौके पर यज्ञ पूजा, तस्वीरें तमिलनाडु के पलानी। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ठंड का कहर जारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटे साफ था। दिल्ली में अगले कुछ दिन बादल छाए रहने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। जयपुर में सर्दी का सितम जारी, 28 और 29 जनवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम, ग्वालियर भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार, सागर में छाया रहेगा घना कोहरा। आगरा में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, लोगों को ठंड से राहत नहीं, जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। अमेरिका जर्मनी के टैंक का भेजने के ऐलान से यूक्रेन पर बौखलाया रूस, ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में 11 लोगों की मौत। क्रीमिया पुल के सुधार का काम जारी, रूसी मिसाइल हमले में टूटा था पुल। इजरायली सेना ने की 3 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या, हमले में कई लोग घायल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की छापेमारी, नया वीडियो सामने आया, इजरायली सैनिकों ने की 9 फिलिस्तीनी की हत्या। टर्की में एक यात्री बस बेकाबू होकर झील में गिरी, बस के झील में गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पैराग्वे में जर्मनी जमीनी अधिकारों की लड़ाई, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के बाहर दिया धरना। इसराइल में यहूदी नरसंहार को किया गया याद, एआई के जरिए तस्वीरें दिखाई गई। फ्रांस में नई पेंशन योजना का विरोध, कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप प्रभावित। यूक्रेन के ओडेसा शहर में पानी की किल्लत, बिजली की सप्लाई बंद, हमलों के बाद बिगड़े हालात। कीव में रूस के हमले जारी, रूस ने दागी मिसाइल, हमले से पावर ग्रिड को हुआ नुकसान। यूक्रेनी सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो, फुटेज में दिखी बाखमुत शहर की तबाही। बेलारूस और रूस का साझा युद्धाभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूएनएससी की बैठक में युद्ध को खत्म करने की अपील, हंगरी के विदेश मंत्री ने की बैठक की मांग। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, 57 लोग घायल। इराक के पीएम का फ्रांस दौरा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो से की मुलाकात। ओमान में हैरान कर देने वाली तस्वीरें, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं स्थानीय लोग। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में कड़ाके की ठंड, कुछ हिस्सों में -10 डिग्री तक गिरा पारा। दक्षिण कोरिया में भी दिखा खूबसूरत नजारा, सियोल में हुई बर्फबारी, 5 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ।
जापान में भी हो रही भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। अफगानिस्तान में ठंड का कहर, 15 दिन में गई 160 लोगों की जान। 2022 के आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए बाबर आजम, बाबर ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी जीता अवार्ड, मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए।